अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग छोले। मुर्ग छोले भी बोलते हैं और चिकन छोले भी बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जो हमने 2 घंटे से भिगोए हुए थे छोले, ये छोले हमने 2 घंटे से भिगोए हुए थे। अब हमने इसका पानी निकाल दिया है। अब इसको हम कुकर में गला लेंगे। आप चाहे तो देगची में भी गला सकते हैं। ये हमने इसमें थोड़ा सा सोडा भी डाल दिया है, ये अंदर डाला हुआ है थोड़ा सा, 2 चुटकी या आधा टीस्पून ले सकते हैं। और ये अब हम छोले डाल रहे हैं और इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, 1 चमचा नमक डाल रहे हैं हम इसके अंदर, और पानी। पानी है तकरीबन इसमें 3 गिलास। अब हम इस कुकर को बंद कर रहे हैं और चूल्हे पे रख देंगे। इस पे सीटी लगाएंगे। अब हम इसको गैस पे रख रहे हैं। जब सीटी बोलेगी तो उसके 10 मिनट बाद इसको खोल लेना, इंशाल्लाह छोले गले हुए हो। छोले गल गए। कुकर को हमने 10 से 15 मिनट तक रखा था। ज़्यादा भीगे हुए हो तो ज़्यादा टाइम रख लें, कम भीगे हो तो थोड़ा, ज़्यादा भीगे हुए हो तो कम टाइम और कम भीगे हो तो ज़्यादा टाइम रख सकते हैं। ये हो गए हमारे छोले। अब हम बंद कर रहे हैं। अब हम इसकी गैस निकाल रहे हैं। गैस निकल जाएगी तो फिर हम कुकर खोलेंगे। ये हमने आधा किलो छोले बॉईल कर दिए हैं इसमें, और ये आधा किलो ही हमने चिकन ली है इसके लिए। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े टमाटर, 1 दरमियानी साइज़ की प्याज, हल्दी आधा चम्मच, 1/4 चम्मच का टीस्पून का काली मिर्च, और ये सफ़ेद मिर्च ये भी 1/4 है, और 1 चम्मच हमने लाल मिर्च का लिया है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर जो हम लोग घर में भून के बनाते हैं, 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि 1 चम्मच हम नमक पहले डाल चुके हैं छोलों में, और ये गरम मसाला, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये 4 अदरक हरी मिर्चें ली हैं हमने, ये हम आखिर में डालेंगे जब सालन उतरने लगेगा, और ये हरा धनिया, इसको हम गार्निश के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको पकाने के लिए जाते हैं कि हमें इसको कैसे पकाना है। अब हम इसमें सबसे पहले चूल्हा जला लिया है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें हमने जो 1 कप तेल लिया था वो डालेंगे। गर्म होने देना फिर चलाएं। कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है, 1 कप कुकिंग ऑयल था। अब हम इसके अंदर चिकन डाल रहे हैं, इसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। लगभग इसकी थोड़ी सी चकर तब्दील हो जाएगी, इतना ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे, हल्का सा पेकिंग देखते हैं हम थोड़ी देर के लिए। ये हो गई है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हल्का सा, इससे ना चिकन की बसाल जो होती है ना थोड़ी सी वो निकल जाती है। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। इसमें हमने प्याज डाल दिया, इसको हम लाल करेंगे। ये लाल हो जाएगी तो फिर बाकी मसाले ऐड करेंगे। प्याज हमारी तकरीबन लाल हो गई है, थोड़ी सी और रहती है, लाल होने लगी है तो इसमें हम डालेंगे गरम मसाला,
हमने सारा गरम मसाला ले लिया था। अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा चलाएंगे मिला। अब डालेंगे इसमें टमाटर, टमाटर को थोड़ा सा भूनेंगे, फिर हम इसमें सारे मसाले ऐड करते जाएंगे। सफेद मिर्च तो पतला मिर्च भी बोलते हैं, इससे बहुत सालन में टेस्ट आता है। काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर जो हमने घर में कूटा हुआ है, थोड़ा सा नमक क्योंकि हम पहले भी नमक इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हम इसको इतना बनाएंगे कि इसके टमाटर थोड़ा गल जाए, इतना भूनेंगे इसको और ढक्कन ढक देंगे इसके ऊपर ताकि टमाटर थोड़ा गल जाए। मसाला हमारा भून गया है लेकिन अभी टमाटर थोड़े होंगे इसलिए इसके अंदर हम चिकन भी डाल देंगे, थोड़ी चिकन भी गल जाएगी इसके अंदर और ये टमाटर भी गल जाएगी। अब हम इसमें डालते हैं चिकन जो हमने पहले सेक के रखी हुई है, मान लेगा ये अब ये भी इसमें पकेगी और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि चिकन भी गल जाए। वैसे तो गल जाती है लेकिन थोड़ा सा और गल जाए हल्का सा, इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, चिकन भी गल जाएगी और मसाला भी बेहतरीन बन जाएगा। अब हम उसको ढक देंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट में हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हम इसमें डालेंगे चने यानी छोले और कुछ देर तक इसको भी इनके साथ पकाएंगे। डालती हूँ इसमें छोले और इसमें छोलों का थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिया है कि वो भी इसी में पक जाए। जो छोलों का पानी बचा हुआ होता है वो भी इसी में डाल देते हैं इसी के साथ। अब इसको भी हम तकरीबन 7 मिनट तक पकाते हैं, 7 मिनट तक, फिर हम इसको निकालेंगे। तैयार हो गया है और इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च, और अब हम इसको प्लेट में डिश में निकालेंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे, ये हो चुका तैयार हो गया है। इसको अब हम निकालते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार पकता है ये। आप लोग खाएं और बनाएं, यानी पहले बनाएं फिर खाएं और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसे पकी है।
मसाला हमारा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसके ऊपर हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। हरा धनिया, और इसको हम रोटी से खाएंगे। माशाल्लाह ये सालन हमारा तैयार हो गया है। इसको हम रोटी और नान से भी खा सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं। इसको बनाएं, पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, लाइक करें। अब मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।